बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु। दोस्तों हम फैबुलसी बनाने जा रहे हैं ड्रम स्टिक्स और उसके लिए मुझे चाहिए आपका साथ आखिर तक के लिए। दोस्तों यहाँ पर ले ली है मैंने चंद ड्रम स्टिक्स, ये तकरीबन 8 एक अदद है और इसका वजन तकरीबन 900 ग्राम है। तो इसके अंदर हम कट लगा लेंगे और इसको हम डीप कट्स लगाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें इस तरह करके डीप कट्स लगाएंगे ताकि हम जब मसाला लगाएं इसको तो मसाला इसके अंदर तक चला जाए। तो ये अब हमारा जो है कट लग चुके हैं। कट लगाने के बाद अब बना लेते हैं हम इसके लिए मसाला। तो दोस्तों अब बना लेते हैं अपना मसाला और उसके लिए यहाँ पर ये मैंने बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम 1 टीस्पून हीव्ड जो है वो हम डालने लगे हैं पेपरिका पाउडर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम ले लेते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम तकरीबन 1/4 चाय के चम्मच में शामिल करेंगे। नमक हम लेंगे 1 चाय के चम्मच से कुछ कम, जो कि आप हसबे जायका ले सकते हैं। और हम यहाँ पर पीसी हुई सौंफ है वो भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेंगे। और हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच या उससे थोड़ा सा कम हम लेंगे धनिया पाउडर, ये इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और ये 1/2 चाय का चम्मच क्रश गार्लिक है या लहसुन जिसको कहते हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। 1/2 चाय का चम्मच क्रश ही अदरक है जो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1 चाय के चम्मच के अंदर हम सरसों का तेल शामिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही हम इसके अंदर 1 लीमू का रस निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अब ये सारी चीजें शामिल कर लेने के बाद अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाह। ये देखें मिक्सचर को जरा वो करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून, ताकि ये मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा खटाई पसंद करते हैं तो ज़्यादा लीमू का रस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा आमेजा जो है तकरीबन वो बन गया। अब नंबर आएगा इसको लगाने का अपने ड्रम स्टिक्स पर। तो ड्रम स्टिक्स ले आते हैं तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेके इन पर मलेंगे। आप लोग चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अगर आप तीखा करना चाहते हैं। मैं इस वक्त इसको तीखा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तेज़ करें, इसके अंदर तेज़ी लेकर आएँ, तो आप इसके अंदर लाल मिर्च यकीनन शामिल कर सकते हैं। तो ये वैसे तो हम इसके ऊपर मसाला कोट कर चुके हैं, तो अब अगर इसके बाउल के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मसाला इधर उधर लगा रह गया तो हम इसको इस तरह हिला लेंगे ताकि जो बाकी का मसाला है वो भी इन पीसेस के ऊपर लग जाए। और जब ये लग चुकेगा, जैसे अभी ये देखें लग चुका है ज़बरदस्त सा, इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह रख के उसके ऊपर कोई फॉइल वगैरह लगा के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये ले ली है मैंने एक हॉट प्लेट और उसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। और ये नॉन स्टिक है, इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा 1/2 कप सरसों का तेल। तो दोस्तों जब हो जाएगा तेल हमारा गरम तो इसकी आग को कर देंगे थोड़ा कम और अब जो हमारी ड्रम स्टिक्स थी जिनको हमने 2 घंटे तक मैरिनेट कर लिया है उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यूं इसके अंदर इसको शामिल कर लेने के बाद हमने इसको सुर्ख करना है। आज की अच्छी बात। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज्जत उसकी गैर मौजूदगी में बचाए अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके मुंह से दोजख की आग को दूर कर देगा। जामे तिर्मिजी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 2015। तो तकरीबन 2-1 मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम इसके रुख को बदल लेते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा क्रश यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। इसी तरह हम साथ रख लेंगे। क्रश फॉर्म हो रहा है, हम वहाँ पर दूसरी तरफ थोड़ा सा एक और मसाला हल्का सा तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक कि हमारी ड्रम स्टिक्स वहाँ पर हो रही है फ्राई तो हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा मसाला और मजीद तैयार। यहाँ पर ये मैंने एक स्मॉल प्याज ले लिया है, ये उसको मैंने छोटे टुकड़े काट लिए। ये 2 मैंने ग्रीन चिलीज ले ली है, इसको भी हमारे 2 इस तरह टुकड़े करके तो ये इसके अंदर डाल लेता। और ये लहसुन के 2 जोए हैं तो इनके भी हम इसके इस तरह के पीसेस बना के तो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। साथ ही हम इसके अंदर 1/2 से 1.25 चम्मच ये दड़ा मिर्च का यानी चिली फ्लेक्स का डाल देते हैं और अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो दोस्तों ये हमारा हल्का सा जो है अमेजा जो है तैयार है। इसको अगर हम हल्का हल्का चलाएँगे थोड़ी थोड़ी पल्स करते हुए तो इस तरह बन जाएगा। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल करूँगा मुख्तलिफ जगहों पर और यूँ करके। तो यहाँ पर देखिए ये वो मसाला है, इसको मैंने पानी थोड़ा सा डाल के तो अब ये इस पानी इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको हम हल्का हल्का सा हिला लेंगे ताकि जो मसाला हमने नया डाला है वो थोड़ा सा मिक्सअप भी हो जाए और इसके ऊपर लग भी जाए। तो ये देखिए ये हमने इसको थोड़ा सा हिला लिया है, अब हमारा जो बाकी मसाला है वो नीचे चला गया है और अब हमने इसके ऊपर एक ढकना ढक देना है।
और अब हम इसको इस मीडियम लो आग पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक यूं पकाएंगे। और इससे पहले हम इसको तकरीबन जो तलने के लिए तकरीबन 5-1 मिनट पहले भी पका चुके हैं, तो यहाँ पर हम 8 से 10 मिनट और पकाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है अच्छी से अंदर तक गल जाएगी और फिर हम इसको भून लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, बल्कि तकरीबन नहीं यकीनन 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम इसका ढक्कन उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाह, वाह खूबसूरत। और आप देख रहे हैं इन पीसेस को मैं पलटाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जो है चारों तरफ से ये पीसेस इस ग्रेवी के अंदर डिप हो जाएं। हमारी जो बोटियाँ हैं आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल अलग हो रही हैं और ये ज़बरदस्त सी गल गई हैं, और इसका पानी जो है वो भी अभी हल्का सा इसके अंदर रह गया। इतनी ग्रेवी हमारी चलेगी और इस ग्रेवी के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। तो अभी हम इसको कर लेते हैं बंद। माशाल्लाह, वाह बहुत शानदार सी खुशबू। तो ये रही हमारी सर्विंग डिश, और हम इन पीसेस को उठा के इसके ऊपर ज़बरदस्त से अंदाज में सर्व करेंगे। माशाल्लाह फैबुलस लुक, सुभानअल्लाह बहुत ही शानदार। और अब हम जो हमारा मसाला है उसको इसके ऊपर, सुभानअल्लाह। और अब ये रेडी है खाने के लिए। तो आपको पता ही है कि जब ये खाने के लिए रेडी होती हैं तो उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ज़बरदस्ती बनी हुई अपनी डिशेज को टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए माशाल्लाह, अब हमारी ये जो बोटी है ये ज़बरदस्ती गल चुकी है। ये देखिए ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। खाने का टाइम है, शानदार सी पकी हुई। तो अब हम ऐसा करते हैं कि लेते हैं एक अदद निवाला और लेते हैं एक अदद यहाँ से हम अच्छा सा पीस, ये देखिए, और डिप करते हैं इसको अपनी ग्रेवी में। वाह लुक्स फैबुलस। और इसको हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह जस्ट अमेजिंग, बहुत ही शानदार। यानी अगर आप देखें तो इसके अंदर मैरिनेट करने का टाइम है और इसके अलावा पकाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन जबरदस्त ये हमारे ड्रमस्टिक्स बनके तैयार हैं। घर में खाइए या मेहमानों को सर्व कीजिए, इंशाल्लाह दोनों को पसंद आएगी। मुझे यकीन है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। दोस्तों हरी मिर्च की मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेकर आ रहा हूँ जिसको आप खा के आहा ये बगैर नहीं रह सकेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार। नाज़रीन करम, मैं करूंगा शेयर आपके साथ आज दो रेसिपीज, जिसमें से एक मेरी बचपन की फेवरेट रेसिपी है। मुझे बचपन याद दिला दिया इस रेसिपी ने। बहुत मजा आ रहा है ये हरी मिर्च और अंडा खाकर। मजेदार सी छोटी सी रेसिपी जिसके अंदर चंद इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं, इसे आप किसानी रेसिपी भी कह सकते हैं। बहुत ही शानदार मिर्चें बनने जा रही हैं आज, आप देखेंगे तो मजा आ जाने वाला है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत अच्छी रेसिपीज के साथ। मारिस बिलाल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।